नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी बृहदारण्यक उपनिषद पंचम अध्याय तृतीय ब्राह्मण के ऊपर विचार चल रहा है, एक ही कंडिका है। तो एष प्रजापति हृदयम, ऐसा कहा था पूर्वोक्त जो प्रजापति है, जिन प्रजापतियों ने देवता दानव पानव को उपदेश किया द द द, वो प्रजापति हृदय है, माने हृदय अवच्छिन्न प्रजापति को लेना है। तो व्यापक दृष्टि में हो पाए तो कम से कम माने एक एक अधिष्ठान को लेकर के उसका उपासना करने के लिए, जैसे गीता के नवोपाध्याय में कहा था मया सर्वविदम मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्थानी सर्वभूतानी चाहम चस्ते, मेरे द्वारा सब व्याप्त है, सारा संसार मैं कहीं न हूँ ऐसे जगह नहीं है, मेरे में कल्पित है सारा, मेरे में सारे भूत हैं, जितने भवंतित भूतानी मेरे में है सब, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान में होता है, अधिष्ठान के बिना उसकी सत्ता नहीं होती है, अधिष्ठान कल्पित वस्तु से अतिरिक्त होता है, कल्पित वस्तु का अभाव काल में भी अधिष्ठान रह जाता है, यही कहना था। किंतु आगे बोले मत्थानि भूतानि पश्चिम एवं सर्व, वास्तव में भूत मेरे पे है ही नहीं, पहले कहा था मत्थानि सर्वभूतानि, अब बोलते नतमस्थानि भूतानि मेरे में स्थित नहीं, क्यों उनकी सत्ता ही नहीं है, क्या मेरे में रहेंगे, ऐसा कहा गया। तो अपनी व्यापकता दिखाई थी नवम अध्याय में, और उस व्यापकता में जो बैठ नहीं पाता उसके लिए दसम अध्याय में तत्स्थान बता दिए उपासना के लिए, विशेष विशेषता नदी में जाह्नवी, वृक्षों में अश्वत्थ, पर्वतों में हिमालय इत्यादि, विशेष में स्थान कम से कम यहाँ तो भगवत करो, व्यापकता नहीं ले पाते हो, परिचिन्न दृष्टि तुम्हारी है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी समझ रहा है। उस व्यापकता में जिसकी दृष्टि नहीं जा पाई तो तत्त अधिष्ठान को लेकर के उस करना उन्हीं को उपासना है, तो सविशेष उपासना नहीं है, यही कहना है। ये सब ये कहा था ये सब प्रजापति हृदय ये तत् ब्रह्म, यही ब्रह्म है, यही यही प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है। ये तत् माने हृदय प्रजापति माने हृदय अवच्छिन्न ब्रह्म, ये लेना है। ये तत् सर्वम, यही सब कुछ है। तदेतत् त्र्यक्षरम, हृदय शब्द में तीन अक्षर है, ह्री द य तीन अक्षर है, ये हृदय रूपी ब्रह्म है, ये तीन अक्षर वाला है, हृदय में हृदय ऐसा कहा गया। ह्री इति एकम अक्षरम, ये ह्री शब्द एक अक्षर का है, आगे द आगे यम तीनों का अर्थ करेंगे। तो जो इसको जो एकम अक्षरम अभिहरन्ति अस्मयी, जो ह्री को उपासना करता हो, जो हृदय में से एक अंश है ह्री उसका चिंतन करता हो, तो क्या श्वास अन्य अभिहरन्ति का उसको अपने इंद्रियां, स्वमन इंद्रियां, अपने संबंधी इंद्रियां और अन्य होते हैं विषय, दोनों अपने विषय समर्पण करते हैं, माने अर्थ ज्ञान कराते हैं दोनों मिलकर के, ह्री के उपासक को, ह्री विशिष्ट ब्रह्म उपासक को, ये कहा गया। या एवं वेद, जो ऐसे जानता है ह्री शब्द का अर्थ समझता हो, हृदय में आया हुआ ह्री शब्द को जो जानता हो, द इति एकम अक्षर, द एक अक्षर है ह्री द यम द अक्षर, ददति अस्मै स्वास्थ्य, उसको सारे अपना विषय उसको अर्पित करते हैं हृदय, हृदय ब्रह्म को, और हृदय जो करेगा हृदयवानी बुद्धि, बुद्धि किसको भोक्ता को अर्पित करना है, स्थिति हो जाती है। स्वामानी इंद्रिया और अन्य मैंने ये देते हैं, क्या देते हैं अपना अपना सामर्थ्य उसको देते हैं, हृदय को देते हैं और हृदय ब्रह्म को देता है। जो जानता हो द का अर्थ समझता हो, यम इति एकम अक्षर में कहा हृदय यम, यम एक अक्षर वाला है, ये थे स्वर्गम लोकम, मान यम विशिष्ट जो हृदय के अर्थ जो यम है ऐसा समझता हो वो स्वर्ग ब्रह्मलोक जाता है, स्वर्ग माने ब्रह्मलोक है, यहाँ ब्रह्मलोक जाता है प्राप्त करता है, एवं इस प्रकार यम को जानता हो ऐसा कहा था। इसी के कुछ भाष्य हो गया था टीका के साथ है, बिना उपासना के भी
हृदय हृदय माने बुद्धि को, माने जो भी हम बिना उपासना के भी कौन सा देखे वो समझ जानता रहे ना, बिना उपासना से आने वाला जानता नहीं है, होता तो भोक्ता को ही मिल रहा है, वो इंद्रिय और विषय मिल करके बुद्धि को देना है, अंतकरण को देना उन्होंने, और अंतकरण भोक्ता में पहुंचा, सुख दुख भोक्ता को पहुंचता है, स्थिति यह है। बाहर के विषयों का फोटो यहाँ हृदय में आएगा, माने अंतकरण में आएगा, और अंतकरण में आने के बाद में सुख दुख का भोक्ता भोक्ता बनता है। सुख दुख की जानकारी अंतकरण को नहीं होता, भोक्ता को, अंतकरण में भोक्ता बैठा हुआ है, ये स्थिति होती है। टीका में कहते हैं उक्त से हृदय शब्दार्थ से पांचमे का तुम दर्शन प्रजापति प्रजापति तुम साधित कहा, जो कहा गया जो हृदय है माने ब्रह्म रूप से कहा गया हृदय अंतकरण है, पांचमे का तुम दर्शन कहा, पंचम अध्याय के विषय है, वृद्धारण्य क्रम से पंचम अध्याय था, माने उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय, साकल्य ब्राह्मण कहा गया था, ये तृतीय अध्याय इसको दिखाते हुए प्रजापति तुम साधेगी, उसको प्रजापति सिद्ध करते हृदय को, कैसे सिद्ध करते वहां साकल्य का, तुम पूर्व दिशा में किस रूप में हो, अपने को सर्वात्मा मानते हो ना यज्ञवल के, यज्ञवल का मैं आदित्य रूप में, पूर्व दिशा का देवता आदित्य, दक्षिण दिशा में किस रूप में हो, मैं यम रूप में हूँ, पश्चिम दिशा में किस रूप में, वरुण रूप में हूँ, उत्तर दिशा में कहा वहां पर मैं सोम देवता रूप से हूँ। तो फिर आगे बढ़ते गए, वो आदित्य कहाँ प्रतिष्ठित है पूछा, कहा चक्षु, चक्षु कहाँ है रूप में, और रूप कहाँ है अंतकरण हृदय, ऐसे करके चले। तो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा के जो आपको यम माना आपने, यम किस में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में, यज्ञ किसमें है दक्षिणा में, देना होता वो, इत्यादि करते गए। तो ये सब वहां, ये सारे के सारे हृदय शब्द का अर्थ ब्रह्म है, सबको समेट करके हृदय में पहुंचाया था वहां, तो हृदय माने ब्रह्म। तो ये पंचम अध्याय में कहा गया था, कहा सिद्ध करते यस्मिन, कहा भाष्य में कहा यस्मिन साकल्य ब्राह्मण अंत्य, जिस साकल्य ब्राह्मण के अंतिम में आखिर में नाम रूप कर्मणाम उपसंहार है, जिस साकल्य ब्राह्मण के अंत में तीन का उपसंहार किया, नाम का उपसंहार हो गया, इसमें सोम देवता करके उत्तर दिशा को लेकर के कहा था, और कर्म का संहार किया है दक्षिण दिशा को लेकर के यम करके कहा गया था जहाँ, और रूप का उपसंहार किया वहां आदि आदित्य करके लिए रूप में प्रतिष्ठित होकर आया, मैंने पूर्व दिशा में लेकर के कहा गया था, नाम रूप कर्म का जहाँ उपसंहार हुआ था पंचम अध्याय में, जहाँ उपसंहार हुआ वही एक हृदय है, यहाँ जो ये हृदय में कहा प्रजापति पूर्वकंड उसमें है ब्राह्मण में, यहाँ और यहाँ ये हृदय, यही प्रजापति हृदय है, ऐसा कहा गया, ये कहा यहाँ यस्मिन साकल्य ब्राह्मण अंत नाम रूप कर्मण उपसंहार होता, जिस साकल्य ब्राह्मण के अंत में नाम रूप कर्म तीनों का उपसंहार कहा गया, नाम का उपसंहार सोम देवता करके उत्तर दिशा को लेकर के कहा गया था, वो सोम किस में प्रतिष्ठित है वाणी में करके इत्यादि लिया गया था, बाक नाम रूप कर्म उत्तर दीप विभाग द्वारा ना दिशा के विभाग के द्वारा कहा था वहां पूर्व पूर्वादि दिशा के विभाग से, तदेतत सर्वभूतम भूत प्रतिष्ठा, वही जो सभी भूतों का जहां प्रतिष्ठा होती है, जहां आश्रित है सारे भूत, माने यहाँ प्रजापति शब्द क्या है हिरण्यगर्भ, माने समष्टि जीव है, समष्टि जीव की चर्चा है हिरण्यगर्भ, तो उसमें आश्रित है, समष्टि में व्यष्टि आश्रित होता है, सर्वभूतात्मभूतम सभी प्राणियों के स्वरूप है वो, हृदय वही हृदय प्रजापति प्रजापति है, प्रजा नाम सृष्टा प्रजापति, प्रजापतियों के पति सृष्टि करने वाला भाई प्रजापति कहा, एतद् ब्रह्मा यही ब्रह्म है, यहाँ व्यापक है बृहत्वात्, यही बड़ा होने से व्यापक होने से ब्रह्म कहा गया, और सर्वात्मत्वाच सबका स्वरूप है उसमें कल्पित है सारे, एतद् सर्व यही सब कुछ यही है। ठीक है, हमें कहते हैं कथम हृदय से सर्वत्व, हृदय रूपी जो ब्रह्म कैसे सर्व सब सर्वरूप कैसे है वो, तो कहते हैं सर्वत्व उक्तम करके कहा, उक्तम पंचमाध्याय हृदय से सर्वत्व, साकल्य ब्राह्मण में तृतीय अध्याय उपनिषद क्रम से तृतीय उसमें हृदय को सब कुछ कहा गया,
सर्वगुरु कहा गया, कहा ठीक है, हम कहते हैं सर्वत्व संकीर्तन फल महा, वो सर्वरूप कहा ना, उसका फल यहाँ बताते हैं, फल क्या है, तत्सर्वम सर्वरूप है वो, इसलिए यस्मात यस्मात तत्सर्वम, जिससे वो सर्वरूप है तस्मात उपास्य हृदय ब्रह्म, इसलिए वो उपास्य होता है हृदय ब्रह्म, हृदय ब्रह्म उपास्य है कहा, तत्र हृदय नाम अक्षर विषय में वह तावत उपासना उच्चते, हृदय के तो उपासना बाद में होगी ब्रह्म की, किंतु पहले हृदय जो नाम है एक एक अक्षर की उपासना का फल दिखाते हैं पहले, माने नाम में ही इतने बड़े फल मिलते हो तो पूरे हृदय के नाम ही का उपासना का विषय क्या नहीं मिलेगा, ये कहने के लिए है। तत्र हृदय नाम अक्षर विषय में वह हृदय नाम का जो अक्षर तीन अक्षर है गृह यम तीन है, तावत उपासना उचित है, तब तक पहले उपासना उसी ही पे कहा जाता है। तदेतद हृदय इति नामत्रक्षरम, तीन अक्षर वाला है ये नाम त्रक्षरम, त्रीणी अक्षराणी ऐसे त्रक्षरम, त्रक्षरम सर्वत तीन अक्षर इसके है, इसलिए त्रक्षरम कहा जाता है। कानी पुनस्तानी त्रीणी अक्षराणी, वो तीन अक्षर कौन है ये प्रश्न उठता है, तो कहा उस चंदे का रीति एकम अक्षरम, तीन में से एक तो ह्री शब्द है अक्षर है, एक अक्षर है ठीक है, ठीक है हमें कहते हैं। तत्र तत्र शब्द भाष्य में दिया था, उसका अर्थ क्या है, तत्र हृदय नाम अक्षर विषय, तत्र माने हृदय से उपास्यते सिद्धे, हृदय उपासना सिद्ध होने पर, अब पहले हृदय नाम, हृदय में तीन अक्षर है हृदय नाम का कहना चाहते हैं, फलोक्तिम उत्थाप्य व्याकरोति, फल के कथन का उत्थापन करके व्याख्या करते हैं, उसको क्या फल मिलेगा हृदय की उपासना करने वाले को, जो आया तो कहा अभिहरंती, कहा भाष्य में कहा अभिहरंती माने लाते हैं, हिरें हरण जाते हुए दूसरे का अपना अधिक करना लाना है, लाते हैं हरतेर आहृत करना, हृदय धातु का अर्थ आहरण करना होता है, लेना होता है हृदय धातु, हिरें हरण धातु है व्याकरण, आहृत कर्म उसका विषय आहरण है, हृदय धातु का विषय जो होता है आहरण है, ह्री एतत् रूपम, ह्री बना हुआ वही हृदय धातु का रूप है, उसका अर्थ आहरण होता है, यदि यो वेद जो ऐसा जानता हो, जो चिंतन करता हो, ठीक है हमें कहते हैं यो वेद अस्मय विदिशे अभिहरंती संबंध है, जो ऐसा उपासना करता हो हृदय का माने आहरण करने वाला है, ऐसा जो चिंतन करता हो तो ऐसे उपासक के लिए अभिहरंती माने इंद्रिय स्वास्थ्य अन्य जो कहा हुआ है इंद्रिय और विषय उसको अभिहरण करते हैं, माने इंद्रिय विषय मिल करके उसको विषय भीतर पहुंचाते हैं, दोनों मिल के आते हैं, वो अकेला इंद्रिय भी काम नहीं कर पाती, अकेला विषय भी काम नहीं होगा, दोनों मिल करके फोटो तभी आएगा, इंद्रिय न हो तो विषय का साथ संपर्क नहीं है, भीतर भी वृत्ति बोलते हैं, एक प्रकार फोटो है, बाहर के चित्र भीतर आ जाते हैं, उसको वृत्ति कहा जाता है। यो वेद अस्मय विदिशे अभिहरंती, कहा जो ऐसा उपासना करता है हृदय के आहरण अर्थ वाला हृदय की उपासना करता हो तो अभिहरंती इंद्रिय और विषय में लगे अभिहरण करते हैं, माने अपना अर्थ उसको समापन करते हैं, ये कहना है। वेदनवे विषय किस प्रकार उपासना करते हैं उसको यहाँ विस्तार करते हैं, क्या कहते हैं, तो कहा यस्माद हृदय आया इत्यादि, कहा यस्माद हृदय आया ब्रह्मरे, जो हृदय रूपी जो ब्रह्म है, हृदय से अभिन्न ब्रह्म, किसका स्वास्थ्य इंद्रियाणी, स्व शब्द से स्वाच अन्य से कहा स्वास्थ्य अन्य से कहा स्व माने इंद्रियाणी, जो इंद्रिया हैं पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया जो भी हो, अन्य च विषया अन्य शब्द का विषय दोनों शब्दादय शब्दादि विषय है, स्वम स्वम कार्य अभिहरण दे अपना अपना कार्य उसको अभिहरण करते हैं देते हैं लाकर पहुंचाते हैं, यह अर्थ होता है। हृदय को देते हो हृदय रूपी प्रमुख, और वो क्या करता है, कहा हृदय च भोक्तृ भोक्तृर्थम अभिहरण, और हृदय अंतकरण यहाँ रखेगा नहीं, किस वक्ता के लिए आहरण करेगा उसको, इंद्रिय विषय मिलकर तो हृदय में पहुंचाए और हृदय भोक्ता को देगा, अतो हृदय नाम नो ह्री इति यत्र अक्षरम, हृदय नाम का जो एक अक्षर है ह्री नाम, हृदय नाम ना षष्ठी है ह्री एतद् अक्षरम, यो वेद जो ऐसा जानता हो हृदय नाम का एक ही अक्षर है ऐसा जो जानता हो, अस्मय विदुषे ऐसे जो जानकार होगा उसको, उसके लिए अभिहरंती उस उपासक को भी लाते हैं, क्या लाते हैं,
श्वास अन्यच श्वास ज्ञातयो अन्यच असंबद्धा। दो प्रकार के हमारे संबंधी होते हैं, एक तो अपने संबंधी लोग हैं और एक अन्य है, दोनों ही उसके पास उपहार लाते हैं, भेंट लाते हैं, कुछ उपास बलिमित वाक्य से सब कि क्या लाते हैं का बलि, बलि माने उपहार भेंट। ठीक है, मैं कहते हैं स्वम कार्यम रूप दर्शन आदि का, इंद्रियों का कार्य क्या रूप दर्शन आदि कार्य है, रूप देखना शब्द सुनना इत्यादि काम है इनके, तत्त्व इंद्रियों का। स्वम कार्यम अपना जो कार्य होगा रूप दर्शन आदि है, साथ में कहा इंद्रिय कार्यम विषय कार्यम, अपना अपना कार्य देते हैं वो, अभिरण करते हैं किसके लिए, अंतकरण रूपी जो ब्रह्म है उसके लिए, हृदय रूपी ब्रह्म के लिए कहा। स्वम कार्यम रूप दर्शन आदि, इंद्रियों का अपना अपना काम होता है रूप दर्शन, और आदि से विषयों का काम भी वही रूप को पहुंचाने का काम है, यही होता है। हृदय से तो कार्यम सुख आदि, और हृदय जो अंतकरण है उसका काम क्या है, सुख आदि होते हैं, सुख दुख पहुंचाते हो, सुख दुख पहुंचाने का काम करते हैं वो, किसको, भोक्ता को, भोक्ता को सुख दुख मिलता है विषय और इंद्रिय मिलने के बाद में अंतकरण में आएगा वो, अंतकरण में आने के बाद में अंतकरण के माध्यम से उपभोक्ता को मिलता है सुख दुख, भोक्ता को ही होगा ना सुख दुख, यही कारण है। अच्छा, साथ के टिप्पणी देना, इंद्रिय कार्य विषय कार्य तो दोनों तद उभयोरपि, दोनों कार्य एक अस्मिन दर्शनादि कार्य, एक ही में सम्मिलित है दोनों, देखने में रूप और चक्षु का संबंध के बिना होगा नहीं, सम्मिलित कार्य है दोनों मिलकर, चक्षु और विषय का एक ही कार्य होता है रूप दर्शन करना, एक कार्य होता है। श्रोत्र इसका शब्द का एक ही कार्य होता है दोनों मिलकर के, ये सब भिन्न कार्य होता है नहीं, शब्द ग्रहण करना होता है उसका, तद उभयोरपि इंद्रिय और विषय दोनों का एकस्मिन दर्शनादि कार्य, एक ही कार्य होता है, इंद्रिय विषय मिलकर एक ही काम करते हैं दोनों मिलकर, केवल इंद्रियों से भी नहीं होगा केवल विषयों से भी नहीं होगा, दोनों मिलने के बाद में एक कार्य रूप दर्शन हो पाएगा भक्ता को, यही ज्ञान होगा सुख दुख का। करण विषय विषय विधेय, दो प्रकार से वह विषय बन रहे हैं, एक इंद्रिय और एक विषय का विषय, एक इंद्रियों का विषय एक विषयों का विषय, दो होकर के एक ही विषय होता है दोनों मिलकर के। निमित्त तत्वादि विधेय, दोनों के दोनों निमित्त हैं, दोनों का दोनों निमित्त बन जाते हैं, इंद्रिय और विषय दोनों निमित्त हैं। अच्छा, हृदय से तो कार्य सुखादि कहा था, आठ नंबर के पढ़ने में कहते हैं हृदय कार्य माने अंतकरण में जो आया बाहर के विषय आ गया इंद्रियों के माध्यम से आया, उसका कार्य क्या होता है, कहते सुखादि, सुख दुख का अनुभव होता है वहां, सुख दुख है वहां पहुंचना, सुख दुख ही है वास्तव में, ना विषय आएगा ना इंद्रिय आएगा हृदय में, सुख दुख आ जाता है। हृदय वृत्ति आत्मक सुखादेर हृदय उपादान, हृदय में जो वृत्ति है तो सुखादि वृत्ति हृदय में बनना है, सुखाकार दुखाकार जो वृत्ति बने, कोई भी विषय होगा दो प्रकार से भोक्ता को मिल रहा है, या तो सुख रूप से या दुख रूप से, अनुभव में है बाकी विषय नहीं मिलता, उसका अनुभव अनुभूति होती है माने श्रोता को, विषय ग्रहण करने वाले को केवल अनुभव है, विषय नहीं मिलने वाला है, यही है। तो हृदय का कार्य क्या होता है, वृत्तियात्मक सुख आदि, हृदय का कार्य वृत्ति बनना, सुख दुख का जो वृत्ति बनाने का कार्य है उसका, हृदय उपादान का वृत्ति के लिए हृदय उपादान कारण है, मान अंतकरण के बिना सुख दुख आदि वृत्ति बननी नहीं है, वह वृत्ति बनने के बाद में वो भोक्ता को देना है वो वृत्ति, पहले बाहर विषय और इंद्रिय थे वो वृत्ति रूप में यहाँ आ गए, और वृत्ति को वहां भोक्ता में ले जाके देना है, सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति, विषय भोगने का दो ही परिणाम आता है अंतिम में, या सुख या दुख, इष्ट वस्तु होगा तो सुख, अनिष्ट वस्तु होगा दुख, भोक्ता को कहा। असंबद्धा माने व्यतिरिक्त कहा, दो प्रकार के संबंधी हमारे हैं, एक तो अपने ज्ञाति लोग हैं, उपासक को भी वैसे फल मिलेगा, ज्ञाति माने बंधु बांधव जो होते हैं, और ये असंबद्धा कहा था कौन है वो, माने ज्ञाति से भिन्न है वो, तो सब उनको बलि भेंट चढ़ाने वाले होते हैं, ऐसे स्थिति आ जाती है उनके पास जाते में कोई खाली जाता नहीं, उस उपासक के पास केवल हृदय अक्षर का उपासन करने वाला है, हृदय का एक देश के उपासक का ये फल है बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं तथा द इति एतदपि एकम अक्षरम, जैसे हृ एक अक्षर है हृदय शब्द में, इस प्रकार द भी एक अक्षर है, हृ द यम एतदपि एकम अक्षरम, एतदपि दानार्थस्य,
ये जो द शब्द जो बनता है ना दानार्थक, दा धातु से बनता है, दुराई दाने दा धातु देने, ददाती बोलते हैं उसी के यहाँ द बना रखा है, ददाती द देने वाले को द बोला जाता है, दान दाता ये अर्थ है। तथा द इति एतत् एतत् अभी एकम अक्षरम, एतत् अभी दानार्थ से, ये दानार्थक है दा धातु, उसी से द बना हुआ है, कहते हैं ददातेर दानार्थक, जो ददाती माने दा धातु है, दुदाय दाने उसका द इत रूपम द बना हुआ है, दा धातु का रूप बना हुआ है द हृदय। हृदय नाम अक्षर नहीं बात, या हृदय के नाम में बद जुड़ा हुआ होकर के जुड़ा हुआ है, हृदय नाम में दकार भी है, तो दकार हृदय के, हृदय शब्द जो बना हुआ है उसमें जुड़ा हुआ है, निबद्ध है, बना हुआ है, जैसे हृदय में ह्री है इस प्रकार हृदय में द भी है, द अक्षर भी है कहा, अत्रापि यहाँ भी द में भी यही कहते हैं। हृदया ब्रह्मणे ब्रह्मणे, जो हृदय रूपी जो ब्रह्म है उसके लिए, हृदयाय ब्रह्मणे हृदय रूपी ब्रह्म के लिए, यानी प्रजापति कहा गया है उसको, हृदयावच्छिन्न ब्रह्म है वो, उसको स्वास्थ्य कर्णानी अन्यत विषय है, वैसे ही पहले जैसा ही है, स्व माने उसके जो इंद्रिय होंगे और विषय तो जो रूपादि विषय होंगे दोनों मिल करके, सोम सोम वीरियम दधाती, अपने अपने सामर्थ्य देते हैं, पहले वाले तो आहरण किया था, ह्री के काल में आहरण था, इंद्रिय विषय मिलकर के आहरण करते, बाहर के ला करके भीतर देते, अब कहते अपना अपना सामर्थ्य देते हैं, विषय में जो सामर्थ्य है इंद्रियों में जो सामर्थ्य है वो किसको, वो हृदय रूपी ब्रह्म के लिए दे देते हैं, और हृदय रूपी ब्रह्म जो सामर्थ्य भोक्ता बनेगा, सोम सोम वीरियम दधती का, अपना अपना वीर्य देते हैं, सामर्थ्य तो वीर्य माने सामर्थ्य शक्ति, जो ग्रहण करने आदि शक्ति है, अर्थ ज्ञान कराने की शक्ति है, विषय और इंद्रिय मिलने के बाद वो शक्ति हृदय को, हृदय रूपी ब्रह्म को मिलेगा, हृदय रूपी ब्रह्म भोक्ता को देगा, ये कहानी है। सोम सोम में छह नंबर टिप्पणी में कहा, सोम सोम वीर्यम स्वस्व कार्य उत्पादन सामर्थ्य, अपना अपना कार्य उत्पादन की जो सामर्थ्य है ना, वीर्य माने सामर्थ्य, वो हृदय रूपी ब्रह्म को अर्पित कर देते हैं, और हृदय रूपी ब्रह्म भोक्ता को देगा, माने सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति देता है, या तो महादेगा ये कहा, हृदय में तो भोक्तृ ददाति, हृदय भी अपने पास रखेगा नहीं, बाहर से आया हुआ जो दान है, दान किया था उन्होंने अपने सामर्थ्य दान किया था, वो दान हृदय भी, हृदय माने जो बुद्धि है वो भी भोक्ता को देना है, बुद्धि अवच्छिन्न जो विशिष्ट ब्रह्म है वो हृदय को देगा कहा, भोक्ता को देता है। स्वयं वीर्यम अतो दकार, अपना सामर्थ्य हृदय भी मान भोक्ता के लिए देता है, इसलिए अतो दकार इत्येव, जो दकार इत्येव वेद, दकार का अर्थ जो समझता हो इसका, इस तरह से हृदय शब्द में आया हुआ दकार का अर्थ इस प्रकार समझता हो, अस्मयी उस उपासक के लिए, द के उपासक के लिए ददति देते हैं कौन, स्वास्थ्य अन्य च, अपने भाई बंधु भी देते हैं, ज्ञाति देते हैं और अन्य भी देते हैं, उसको सामर्थ्य देने वाले होते हैं, शक्ति देने वाले होते हैं। तथा यम इति एतद अभी एकम अक्षर, ह्री द यम, जैसे ह्री है जैसे द है एक एक अक्षर वाले हैं, वैसे यम जो भी एक अक्षर है, तो कैसे यम बना कहते, इणो गत्यर्थ से, इण धातु गति, इण गतौ, इण धातु गत्यर्थ का गति अर्थ वाला होता है इण धातु, यम इति एतद रूपम, उसी का यम बना हुआ है, इण धातु से अचादि प्रत्यय कर दिया, यह कर दिया बन गया यम, क्यों का अम कर दिया यम, यम इति अभी एकम अक्षरम, इणो गत्यर्थ से, इण धातु गत्यर्थ को था, इण गतौ धातु है अदादि, यम इति एतद रूपम, यम बना उसी का रूप है, माने जाता है कहाँ, स्वर्ग जाता है, ब्रह्मलोक जाता है कहना है, इसका अर्थ ये लेना है, जाता है कहाँ, स्वर्गलोक प्राप्त करता है, ये अर्थ है, माने आत्मभाव प्राप्त करता है, सविशेष ब्रह्म प्राप्त करता है, ऐसे उपासक यम का उपासना करने वाला ये कहना चाहते हैं। इणो गत्यर्थ से यम इति एतद रूपम, अस्मिन् नाम्नि निबद्धम, हृदय नाम ये भी जुड़ा हुआ है, यम यम भी जुड़ा हुआ है, ह्री द यम, नाम तो हृदयम है, उसमें ह्री जुड़ा है, द जुड़ा है, यम भी जुड़ा है, मिलकर के हृदयम बना हुआ है, ठीक है, अस्मिन् हृदय नामनी, ये जो नाम है तो क्या नाम, हृदयम नाम है, उस नाम में निबद्धम है, जुड़ा हुआ है, बना हुआ है,
यम के बिना भी हृदय हृदय बनेगा नहीं उसमें है। इति यो वेदा ऐसा जो जानता हो, यम भी जुड़ा हुआ है किसमें, हृदय नाम में, ऐसा जो जानता है स स्वर्गम लोकम एति का, वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है। एति माने जाता है, स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक माने कैसा स्वर्ग, माने कैसा स्वर्ग हो, या न दुखे न संभिन्नम न च्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च सुखम स्व पदास्पदम, ऐसा कहा गया। आत्मा को भी स्वर्ग बोला जाता है, और ये भौतिक स्वर्ग भी स्वर्ग है, वो तो दुख मिश्रित है भौतिक स्वर्ग। वहां जाने पर भी इंद्र आदि भी दुखी हुए हैं, कई भागना पड़ा है, कुछ सुख मात्र नहीं, दुख मिश्रित सुख है वहां, ये स्वर्ग। किंतु ब्रह्मलोक में भी जो सुख स्वर्ग है, या न दुख या न समझ, दुख का नाम निशान जहां नहीं, केवल सुख ही सुख है, या न दुख या न समझ, न तो ग्रस्तम अनंतरम, ये स्वर्ग वो स्वर्ग में फर्क है। ये जो स्वर्ग है पौराणिक स्वर्ग है, उसमें तो ग्रसित हो जाता है स्वर्ग भोग के बाद में वापस कर देते हैं, किंतु ये स्वर्ग ग्रसित नहीं होता। या न दुख न सम्मेलन, दुख का नाम निशान जहां न हो, न तो ग्रस्तम अनंतर, एक बार प्राप्ति के बाद में विनाश नहीं होगा जिसका, ऐसा स्वर्ग। अभिलाषोपनीतम च, माने जिसकी अभिलाषा होती है वो मिल जाए, जिस सुख की अभिलाषा होती है, किसकी होती है, सुख की, सब प्राणी मात्र सुख चाहते हैं, दुखम में माभूत सुखम में भूयात, सबकी मांग होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी मांग होती है मुझे सुख मिले। अभिलाषोपनीतम च, अभिलाषा से पदा हुआ हो, स सुखम स्वपदास्पदम, वही जो सुख है तत्सुखम स्वपदास्पदम, उसको स्वर्ग पद का आश्रय वही सुख होता है। माने तीन जिसमें हो, या न दुख न संभिन्नम, दुख का नाम निशान न हो जा, ये जो इंद्र आदि वाले स्वर्ग है पौराणिक स्वर्ग, उसमें तो दुख है, वहां भी सुखी नहीं है, क्यों, छोटे बड़े भाव है, शत्रु मित्र भाव है, सब है, किंतु एक ऐसा दुख का नाम निशान ना हो। आत्मभाव में पहुंचेगा, चाहे सगुण में पहुंच गया, ब्रह्म भाव में पहुंचा, वह एकत्व में गया, वह दुख का नाम निशान नहीं होगा। ये स्वर्ग जाने वाले द्वैत में रहते हैं, द्वैत में दुख है, द्वैत में दुख होता ही, द्वितीय भाई भाई भगवती दूसरे से भय होता है, न जाने क्या करे, या तो रक्षा का भय होगा या अपने को मरने का भय होगा, यदि शत्रु होगा तो मार न दे, और मित्र होगा तो बना रहे, ये मरे नहीं, उधर भय है, दीप्ति यादव भाई भगवती कहा हुआ है। तो यह न दुख न संभिन्नम, ये स्वर्ग और स्वर्ग में अंतर है, मैंने आत्मलोक को भी स्वर्ग कहा जाता है स्थान स्थान पर, यहाँ भी स्वर्गम लोक में यही बोला हुआ है। तो यह न दुख न संभिन्नम, जहाँ दुख का नाम निशान न हो, मिश्रण न हो, और न तो ग्रस्तम अनंतरम, एक बार मिलने के बाद में ग्रसित नहीं होता हो, विनाश नहीं होता हो जिस स्वर्ग का। अभिलाषोपनीतम च, अभिलाषा का, अभिलाषा जिसमें, अभिलाषा से पदा हुआ है, सबकी अभिलाषा होती है मुझे सुख मिले। तो वही चाहे अद्वैत में दो प्रकार के है, एक तो निर्विशेष अद्वैत है, उसमें जाए तो बात ही नहीं है, कम से कम सविशेष में पहुंच जाए तब भी आनंद नहीं होगा वहां, ये कहने लिखा होता है। तो जो यम होता है इण धातु से बना हुआ, तो इण का तो जाने अर्थ में होता है धातु, वही धातु के अर्थ से आ जाता है। ये तीनों हृदय यम में तीनों जो कहा गया, एक एक अर्थ निकाला गया, हृदय का अर्थ आहरण होता है, और द का अर्थ दान, और यम का अर्थ है यहाँ इण धातु का रूप एति जाता है, कहाँ जाता है, आत्मलोक जाता है, अर्थ है स्वर्गम एति, ये स्वर्ग ऐसा स्वर्ग है, ये कहा। एवं नामाक्षरादपि ईदृशं विशिष्ट फल, ईश्वर नाम का नाम था, हृदयम नाम था, उसका एक एक अक्षर का भी ऐसा विशिष्ट फल है। जो हृदय का उपासना विशेष करता हो, उसके बारे में जानता हो, उसके लिए इंद्रिय और विषय अपने विषय माने आहरण करके, इसको आहरण करके हृदय में पहुंचाते हैं, बाहर के विषय खींच करके भीतर दे देते हैं हृदय, और हृदय भोक्ता को देगा। और जो द अक्षर को महिमा जानता हो, हृदय में आया हो द दान, तो वो क्या करते हैं, तो इंद्रिय और विषय अपने सामर्थ्य देते हैं उसको, जो जानता हो उसको सामर्थ्य देते, शक्ति देते हैं, हृदय डालते हैं और हृदय भोक्ता को देगा।
और यम को जानता हो वो स्वर्गुण हो जाता है, ये फल है। ये कहा दो नंबर टिप्पणी थी। तद उपासनात् कहा एक एक अक्षर की उपासना, नामाक्षराद अभी इदृशम कहा, नाम के अक्षरों के उपासना से भी इतने विशिष्ट फल है। तो पूरे नाम का उपासना, हृदय का उपासना करेगा जो नाम ही होगा, नाम वाला होगा, हृदय ब्रह्म की उपासना करेगा तो क्या फल नहीं होगा उसको, कई मुति न्याय लगा रहे हैं, लगाया जा रहा है। जब नाम का एक एक अक्षर है उसके भी उपासना का इतने बड़े महान फल है, तो पूरे नाम वाले का यदि उपासना किया जाए, नाम अलग, नाम ही अलग, नाम वाला हृदय ब्रह्मा, तो क्या नहीं होगा, कहीं भी तो न्याय लगा के बोला जाता है। ये कहा ठीक है मैं अत्रापि दकार अक्षर उपासना भी फलम उच्यते विशेष, अत्रापि पाठ भाष्य में है तो कहा अत्रापि का अर्थ दकार अक्षर की उपासना में भी फल कहा जाता है, जैसे ह्री का फल बता दिया था ऋकार का, इसी प्रकार दकार की उपासना का फल है। माने सभी जगह दकार नहीं, हृदय शब्द में आया हुआ दकार के उपासना, ये उपासना है। काम एव फलोक्तिम दरंती, उसी फल का ही व्याख्या करते हैं भाष्यकार, क्या फल होगा दकार उपासना का। कहा हृदयाय ब्रह्मणे स्वास्थ्य करणानी अन्यत विषया स्वम स्वम वीर्यम ददती, यही अर्थ होता है। माने हृदय रूपी जो ब्रह्म है उसको, और स्वा माने करणानी अपने इंद्रियां है वो जो, और अन्य माने विषया, इंद्रिय और विषय दोनों अपने सामर्थ्य, दोनों मिलकर के एक सामर्थ्य हो तो विषय ज्ञान होना है, वृत्ति बनना है, वृत्ति जो होना है वो सामर्थ्य दे देते हैं हृदय ब्रह्म को। कहा हृदय में तो भोक्तृ ददाति बोला, हृदय भी अपने पास नहीं रखेगा तो किसी को भोक्ता को देगा, सुख दुख का अनुभव तो वहां होना है। कोई भी विषय आते समय सुख आए तो दुख, और यदि मित्र भाव में आए तो सुख, शत्रु भाव में आए तो दुख, इष्टानिष्ट जैसे विषय होगा। स्वम वीर्यम अपना वीर्य वो भी ऐसा देते हैं, माने अंतकरण जो बुद्धि है वो भी भोक्ता को देते हैं। दकार जो दकार ऐसा अर्थ समझ, हृदय में आया हुआ दकार का अर्थ जो जानता हो, और जानने वाले को भी यही होगा, क्या होगा अस्मय दत्त तिश्वास अन्य ने कहा, उसको भी अपने बंधु बांधव अथवा अन्य हो दोनों के दोनों उसी प्रकार देते हैं, क्या देते हैं जो उनमें सामर्थ्य वो देते, शक्ति देते हैं। तथा यम इति एतद् अपि एकम अक्षर में कहा था, इस प्रकार यम भी एक अक्षर है हृदय में, इणो गत्यर्थस्य इण धातु से बना हुआ यम, गत्यर्थस्य गति अर्थ वाला होता है, इण गतौ धातु है गमन अर्थ, उसका विषय गमन है, गमन क्रिया यति माने जाता है, ये अर्थ करते हैं संस्कृत। यम इति एतद् रूपम, ये यम ऐसा रूप है यस्मिन् नाम्नि, जिस यम नाम में, यस्मिन् नाम्नि जिस नाम हृदय नाम में, यम इति च जो निबद्धम, यम ऐसा बना हुआ है उनमें सम्मिलित है, हृदय नाम में यम भी सम्मिलित है, जो वेद जो ऐसा जानता है स्वर्ग लोक में, इति कहा वो स्वर्गलोक माने ब्रह्मलोक पहुंचता है, या स्वर्ग माने ब्रह्म ब्रह्मलोक जाता है, ये अर्थ है। ठीक है ना, थोड़ी अस्मय विदुषे स्वास्थ्य अन्य ददति, कहा दकार के जो उपासना करने वाला होगा ऐसे उपासक के लिए स्वास्थ्य अन्य, स्व माने क्या होगा अपने भाई बंधु जो होंगे, और अन्य माने अन्य लोग अपने अपने सामर्थ्य प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा होगा। क्या देते हैं का बलिमिति शेषा, क्या देते हो मंत्र में नहीं है तो अध्यार करो बलि, बलि को देते हैं, बलि माने क्या है उपहार भेंट, ये अर्थ होगा। तीन नंबर पर कहा बलिमिति दृष्टान्तानुरोधे न अत्र दाष्टान्त के भी धनादि सामर्थ्य बलम, दृष्टान्त जैसे दिया है क्या इंद्रिय और विषय अपने सामर्थ्य शक्ति देते हैं, कहा हृदय प्रमुख को हृदय भोक्ता को देते हैं, कहा इस प्रकार दृष्टांत के अनुरोध से देखना है। यहाँ भी क्या होगा उपासक के लिए फल, कहा दृष्टांत के अनुरोध से अत्र माने यहाँ दाष्टान्त के भी, यहाँ तो उपासक के फल मिलना है, सिद्धांत तो यही है यहाँ, उसके लिए भी धनादि सामर्थ्य में अपने बंधु बांधव अन्य लोग धनादि जो सामर्थ्य है ये देते हैं बलि, यही बलि है यहाँ, यही है। अच्छा ठीक है, हमें कहा नामाक्षर उपासना नी त्रिणी, नामाक्षर उपासना तीन तीन हो गए, ह्री द यम तीन है त्रिणी, हृदय स्वरूप उपासना एकम है, हृदय स्वरूप उपासना तो एक ही है, हृदय का जो हृदय स्वरूप है उसका प्रजापति हृदय वाणी उसको तो एक ही उपासना है, केवल नाम के अक्षर की उपासना अलग अलग करके तीन किया गया,
नाम ही तो एक ही है, हृदय नाम किसका, प्रजापति का, हृदय उपासना तो एक ही है। इति चत्वारि उपासनानि अत्र विवक्षितानि इति आसन। कोई बोलता है चार उपासनाएं हैं यहाँ, तीन तो हो गए नामाक्षर वाला और एक नामी का हृदय का, चार उपासनाएं हैं ये विवक्षित हैं, बोलना चाहते हैं, ऐसी किसी शंका होगी उसके उत्तर देते हैं। एवं कहा, एवं यहाँ तो ये अर्थवाद वाक्य है, वास्तव में नामाक्षर उपासना नहीं होनी है। क्या है, एवं नामाक्षरादपि ईदृशं विशिष्टं फलम, यदि नाम के एक एक अक्षर से भी ऐसा विशिष्ट फल मिलता हो, आहरण होता हो और माने सब अपने सामर्थ्य देते हों और माने स्वर्गलोक जाता हो, तो नामी का उपासना से क्या नहीं होगा, ये कई भी तक न्याय लगाने के लिए है। वास्तव में चार उपासना में एक ही उपासना है, ये कहना है। नामाक्षरादपि ईदृशं विशिष्टं फल, इस प्रकार विशिष्ट फल है नाम के अक्षर से प्राप्त कि वक्तव्य, फिर क्या कहना। हृदय स्वरूप उपासना, हृदय स्वरूप जो स्वरूप प्रजापति है, ब्रह्म है, उसकी उपासना से क्या नहीं होगा। हृदय स्तुत नामाक्षर उपन्यास, हृदय ब्रह्म की प्रशंसा के लिए नामाक्षर उपन्यास किया यहाँ। वास्तव में नामाक्षर उपासना नामी की उपासना होनी है, नाम के क्या उपासना होनी है, नाम के अक्षरों का क्या उपासना, नाम वाले की उपासना होनी है, एक ही उपासना है। एक आगे ब्राह्मणांतरा ब्राह्मणांतरम उत्थाप्य अक्षराणी व्याचर है, आगे अन्य ब्राह्मण, एक एक मंत्र का ब्राह्मण आ रहे हैं, ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण आते हैं, कौन सत्यात्मक ब्राह्मण आते हैं, सत्य ब्राह्मण, किंतु ये सत्य माने तो त्रिकालावादी सत्य नहीं, सत और त्यत मिलकर के सत्यम बना हुआ है, माने ये जो सविशेष ब्रह्म है जिसको हृदय शब्द से कहा हुआ, प्रजापति कहा गया, वो दो रूप है, सत और त्यत, जो प्रत्यक्ष होता है उसको सत कहा गया है और जो प्रत्यक्ष नहीं होता परोक्ष होता है उसको त्यत कहा। पांच है विषय, माने पृथ्वी जल तेज, ये तीन प्रत्यक्ष होते हैं, किंतु वायु आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता, उनको त्यत कहा गया, सत त्यत अभवत, ऐसा श्रुति है। वो ब्रह्म दो रूप हो गया, कौन जो सविशेष ब्रह्म दो रूप में दिखाई पड़ता है, एक सत रूप में और एक त्यत रूप, पृथ्वी जल तेज रूप में सत्य, वही ब्रह्म का रूप है, सविशेष ब्रह्म का यही सारा है, सविशेष ब्रह्म का रूप है, तो सत रूप में माने प्रत्यक्ष रूप में होता है। हम पृथ्वी को प्रत्यक्ष करते हैं, वृक्ष आदि को प्रत्यक्ष करते हैं, माने यह है पृथ्वी है, गंधवत्तम पृथ्वी लक्षण, जल को प्रत्यक्ष करते हैं, इदम जलम, ऐसा होता है प्रत्यक्ष, इंद्रियों का विषय होता है, और तेज माने ज्वाला जो प्रकाश है, जैसे प्रकाश है प्रत्यक्ष होता है, किंतु वायु का गुण का प्रत्यक्ष होगा, किंतु वायु प्रत्यक्ष अनुमान का विषय है, जब उसका गुण आ रहा है स्पर्श, स्पर्श उसका गुण है विशेष है, अनुश्वासित स्पर्श है उसमें, न ठंडा है न गर्म है, ऐसा गुण है वो, ठंडा गर्म तो तेज के संपर्क से गर्म होकर आता है और जल के संबंध से ठंडा होकर आता है, वायु उसके त्रसिरण उस पर प्रविष्ट हो जाते हैं, संबंधित होकर आते हैं, तब ठंडी गर्म की बातें होती है। वायु का जो गुण है केवल अनुश्वासित स्पर्श, ऊर्षा भी नहीं अनुष्णा भी नहीं, शीत भी नहीं गर्म भी नहीं, ऐसा स्पर्श होता है, तो पर्श वाला होता है, तो पर्श गुण का अनुभव होता है, किंतु वायु प्रत्यक्ष नहीं होता, जब गुण है तो गुणी है वायु है, अनुमान से सिद्ध होता है, पर्श गुण के द्वारा वायु की सिद्धि होती है, परोक्ष है, अनुमान का जो विषय होता है परोक्ष होता है, पर्वत में अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष है, धूम प्रत्यक्ष है, धूम को देखते हैं तो अग्नि है, तो कार्य का अनुभव दिखता है वहां, अग्नि के बिना धूम होना संभव नहीं, धूम है तो अग्नि है, अग्नि का अनुमान होता है, हेतु जो धूम है वो प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार यहाँ वायु का गुण प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श का अनुभव होता है, वायु प्रत्यक्ष नहीं है, तो ये तो वृक्ष आदि हिला, ये तो क्रिया है, वृक्षों में क्रिया हो रही, पृथ्वी में क्रिया हो रही है, वायु वायु से ये हिला, इसके मतलब वायु है, वायु ना होता तो हिलता नहीं, पृथ्वी हिल रही है, वृक्ष हिलना माने पृथ्वी हिल रही है, तो इसके मतलब वायु है, अनुमान से सिद्ध होता है, उसको कार्य को देखते हुए सिद्ध होता है। और आकाश भी ऐसे ही है, आकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, अब यहां से आकाश दिखता है क्या, वो दीवाल दिख रहा उधर वाला, उधर से इधर दिखेगा, आकाश दिखने वाला नहीं है, वो तो शब्द गुण के द्वारा अनुभव है, तो आकाश का गुण शब्द है, शब्द को दो तरह से मानते हैं, कोई बोलते हैं
जल तरंग न्याय से शब्द तो वहाँ उस देश को उत्पन्न होता है और उसको आकाश के जल के तरंग के माध्यम से, जैसे जल का तरंग जहाँ पर एक पत्थर डालेंगे तालाब में बड़ा तरंग निकलेगा गोलाई, फिर उसके आगे दूसरी गोलाई छोटे छोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे वेग होगा बड़े बड़े रहेंगे, वेग समाप्त होता जाएगा तो कम होते होते समाप्त हो जाती है। तो वहाँ शब्द तो पैदा हुआ जल के तरंग के न्याय से हमारे स्रोत इंद्र तक आ जाता है शब्द, तो यही आता है। ऐसा मानते हैं नहीं आई आदि, किंतु वेदांति आदि नहीं, वेदांति मानते हैं हमारी इंद्रियां वहां जाती है, जैसे चक्षु विषय में पहुंचती है रूप दर्शन के लिए विषय को जाना पड़ेगा इस चक्षु को, इस प्रकार स्रोत इंद्रिय वहां जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द आते हैं और दूरी का भी ख्याल होता है, यदि यही आना हो शब्द ने नहीं आएगी जैसे मानते हैं तो दूरी का ख्याल नहीं होना चाहिए और जल के तरंग के माध्यम से आना हो तो, किंतु ऐसा नहीं, हमारी इंद्रिया वही जाती है। माने ये वेदांती और नैयायिक में थोड़ा मतभेद है शब्द। तो ब्राह्मणांतरम उत्थापित कहते हैं, अन्य ब्राह्मण की उत्थापन करते हैं ये कहते हैं, माने सत्य सत्य रूप से मानना है, सत्य का अर्थ है सत और त्यत मिला हुआ, दो मिलकर के सत्य कहा जाना, त्रिकालाबादी सत्य यहाँ नहीं है, सत और त्यत अवभवत ऐसा शब्द है। माने वो जो सविशेष ब्रह्म दो रूप में दिखाई दे रहा है, सत और त्यत, पृथ्वी चलते सत, वायु आकाश त्यत, सत और त्यत एक आना है, वही ब्रह्म की चर्चा है। तद्वय मंत्र है, तद्वय एतदेव आस तदास सत्यमेव सयो हैतम हत्यक्षम प्रथमजं वेद सत्यम ब्रह्म इति जयति मान लोकान जितः इनो इन्नो असौ असत असत्ययैवम् एतन् महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्यं ब्रह्मेव ब्रह्म सत्यं हि एव ब्रह्म तद्वै एतद् एतदेव तदास सत्यम् एव सयो एतम महद अक्षम प्रथमजं वेद सत्यम ब्रह्मेति जयति मान लोकान जित इन इन सावदसद्य एवं महद अक्षम प्रथमजं वेद सत्यम ब्रह्मेति सत्यम ही एव ब्रह्मा। तद वही वो जो पूर्व में कहा गया प्रजापति है ना, तद वही जो हृदय रूपी प्रजापति, तद माने हृदय, पूर्व में जिसको हृदय कहा था पहले प्रजापति आया उसके बाद हृदय, या तत्व से हृदय को लेना, माने हृदय भावापन्न प्रजापति है वो। तो भाई ए तत् वही यह है जो सत्य शब्द से कहे जाने वाला वही है, ए तत् एव तद आस ये सत्य ही था पहले, पहले सत्य ही था, सत्यमेव ये जो हृदय रूपी ब्रह्म पहले सत्य ही था, तद माने हृदय रूपी ब्रह्म है आस सत्यमेव आस सत्य ही था। सयोह एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद कहते हैं, ये जो महान पूज्य है, यक्ष माने पूज्य होता है, यक्ष पूजायाम धातु है, पूजात्म धातु यक्ष, महान पूज्य जो ब्रह्म है, सयोह जो कोई भी हो, एतम महद यक्षम यही जो महान यक्ष है जो प्रजापति शब्द से पूर्व में कहा, फिर उसके बाद हृदय शब्द से कहा, कोई महान यक्ष है वो, तो महान पूज्य है, प्रथम अजम सबसे पहले पैदा हुआ है सृष्टि में, सबसे पहले पैदा हुआ कौन, हिरण्यगर्भ, सवई शरीरी प्रथम सवई पुरुष उच्यते आदिकर्ता सुभूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता ऐसा कहा है, सबसे पहले शरीरधारी वही रहा, हिरण्यगर्भ रहा, ईश्वर की शक्ति नहीं, पहले वाले की शक्ति नहीं, शरीर नहीं, सबसे पहले शरीरधारी हिरण्य, सभी शरीर ही प्रथम हिरण्य गर्भ के लिए कहा, मानी सूक्ष्म शरीर ही तो है ना, वो सूक्ष्म शरीर वाला है, वो सूक्ष्म शरीर का पुंज है, तो सभी शरीर ही प्रथम सभी पुरुष उच्च, उसी को पुरुष शब्द से कहा जाता है, पूर्ण पूर्णा पुरुष आदिकर्ता सभूताना, ये होने वाले जितने प्राणी वर्ग है ना, सबसे आदि शुरुआती कर्ता वही है, उसके बाद विराट बनना है, विराट के बाद बेष्टि बनना है, आदिकर्ता सबूता स वो आदिकर्ता है, प्रथम कर्ता वही है जगत की, शुरुआत वहीं से।
आदिकता स्फुताना ब्रह्माग्रे समवर्तत जो ब्रह्म है सविशेष ब्रह्म अग्रे वर्तत सबसे पहले वही रहता अवर्तत वही रहा उसके अतिरिक्त यह नहीं था कोई भी बाद में विराट बना फिर व्यष्टि बनी जैसे जैसे आया ऐसा कहा गया है। तो महादयक्षम प्रथमजम वेद का उस महान जो यक्ष है पूज्य है उस सबसे पहले उत्पन्न हुआ है जो अंधकरण का पुंज ही तो आया पहले यही है उसमें समष्टि जीव हो गया अंतकरण के पुंज आने से समष्टि जीव वहाँ है सारा जीव अंतकरण में होना है अंतकरण के पुंज में सारे जीव है। प्रथम जब वेद जी उसको जानता हो सत्यम ब्रह्म किस रूप से सत्य ब्रह्म है करके जानता हो जयति इमान लोकान ये सभी 14 भुवन लोक तीनों लोकों को जीतता है जीता है सब जीता हुआ इत्थम इस प्रकार जीता हुआ होता है जीता वशीकृत उसके द्वारा बस में हो जाता है तीनों लोग उसके अधीन हो जाता है जो इस प्रकार के प्रजापति ब्रह्म को जानता हो उसके तीनों लोग अधीन हो जाता है भूर भुव स्व तीनों लोग उसके अधीन क्यों वो उस प्रकार जानने वाला तद्रूपी हो गया यही है। इन्नु माने इत्थम इस प्रकार तीनों लोग को जीतने वाला हो गया असौ असद एवं तन महत यक्षम प्रथमोजम वेद कहा असौ वो जो है असत ये जो उससे अतिरिक्त सब असत हो जाता है एवं ये तन महत यक्षम प्रथमोजम वेद का जो महान यक्ष है पूज्य है सबसे पहले उत्पन्न हुआ है उसको जो जानता है कहा सत्यम ब्रह्म किस रूप से सत्य ब्रह्म है करके जानता हूं सत्यम ही एवं ब्रह्म सत्य है सत और त्यत दो रूप दिखाई देता है देखने वाले को दिखता है सत और त्यत दो रूप है सविशेष ब्रह्म दो रूप दिखता है सत और त्यत हमें अनुभव इसी रूप में होना है पांच भौतिक रूप में होना है सत और त्यत रूप में होता है ये कहा एक की टिप्पणी में कहा एतस्य हृदय ब्रह्म ये जो हृदय ब्रह्म है पूर्व में कहा हुआ पहले प्रजापति शब्द से कहा था प्रथम ब्राह्मण में द्वितीय ब्राह्मण हृदय शब्द आया तृतीय ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण आकर के तद्वय एतत् बोला जा रहा है तो हृदय नामक जो ब्रह्म है सत्यात्मनोर उपास सत्यात्मना उपासना सत्य रूप से उपासना करना कहा है सत और त्यत सारा वही है ये समझ रहा है तद्वई कहा ठीक है। हमें कहते हैं भाष्य में तस्व हृदयाख्य ब्रह्मण वो जो हृदय नामक जो ब्रह्म है उसी का तत्व से लेना है तद्वई ना है वही स्मरण के लिए होता है तस्व हृदयाख्य ब्रह्मण सत्यम इति उपासना व्यतिष्ठना सत्यम इस रूप से उपासना करनी चाहिए उसको जो हृदय नामक ब्रह्म की उपासना किस रूप से करना चाहिए सत्यम माने सत और त्यत मिलकर सत्य बनना इस रूप से उपासना करना चाहिए तद इति हृदय ब्रह्म परावृष्टम पूर्व में जो हृदय ब्रह्म कहा था उसी को तत्व से संबंध करेगा यहाँ तद्वय में आए हुआ तत्व जो होगा हृदय रूपी ब्रह्म को परामर्श करेगा पूर्व कंठिका में जो आया हुआ उसको लेगा वही इति स्मरणार्थम जो वही है याद दिला वही सत्यात्म ब्रह्म वही है दूसरा नहीं ऐसा कहने के लिए वही इति स्मरणार्थम वही जो आया है स्मरण के लिए है स्मृति के लिए है तद आगे तत्शब्द आए तद भाई तद फिर तद आया जो दूसरे नंबर का तद है तद यदि हृदय ब्रह्म जो हृदय हृदय रूपी जो ब्रह्म है स्मरियत उसी का स्मरण किया जाता है किसके भाई शब्द के द्वारा यदि एक तत्शब्द एक तत्शब्द तो उसी सही सबसे पहले वाला तत्शब्द का अर्थ यही होता है उसी का स्मरण किया जाता है किसका हृदय ब्रह्म का तद भाई के द्वारा स्मरण है तद माने पूर्वोक्त ब्रह्म हृदय नामक ब्रह्म कहा था पूर्वोक्त एक अगर तदे तद उच्चते उसी को कहा जाता है यहाँ जो हृदय नामक ब्रह्म को कहा जाता है तद एतत आगे तद एतत पद है उसका अर्थ उसी को कहा जाता है कि हृदय नामक ब्रह्म को यहाँ चर्चा होनी है इसका निकाल सत्य रूप से यह चर्चा होनी है यहाँ तदेतद उच्चते प्रकारांतरण द्वितीय तत्व तद एतत में आया हुआ जो दूसरा तत्व तो पहले वाला तो तद्वई में हो गया हृदय रूपी ब्रह्म का परामर्श कर दिया और फिर तद आया तो क्या लेना है कहते उसी को कहा जाता है अन्य प्रकार से उसी के विषय में कहा जाता है जो हृदय ब्रह्म है उसी को प्रजापति है उसी को प्रकारांतर से कहा जाता है उसी को अभी किस रूप से सत्य रूप से कहा जाता है पहले हृदय नाम से कहा था अभी सत्य रूप से कहेंगे उसको प्रकारांतर ही कहा तदे तत्
उसी को कहा जाता है पूर्व जो पूर्वोक्त जो ब्रह्म है ना हृदयाख्य ब्रह्म, उसी को यहाँ प्रकारांतर से किस रूप से सत्य रूप से, सत्य रूप से कहा जाता है। है तो वही है हृदय, हृदयाख्य ब्रह्म है उसी को प्रकारांतर यही है। तदे तद उच्चते प्रकारांतर द्वितीय तत्शब्द, द्वितीय तत्शब्द इसके लिए है तद वही तद ये तत् यहाँ तक होगा वही यहाँ है। तो पूर्व जो हृदय नामक ब्रह्म था वही है ब्रह्म है सत्य नामक ब्रह्म, ये कहना चाहते हैं। आगे फिर कहना चाहते हैं तृतीय आएगा किम पुनः तत् प्रकारांतर, अन्य प्रकार क्या है जो प्रकारांतर से उसी को कहना है तो प्रश्न होगा अन्य प्रकार क्या है। पूर्वोक्त ब्रह्म के प्रकारांतर से बोला तो क्या है प्रकारांतर प्रश्न आया तो कहते ये तदेव यही तो है प्रकारांतर सत्य शब्द से कहा जाएगा यहाँ ये तदेव मंत्र में है उसी का ये तदेव तत्कार था प्रकारांतर हो गया और ये तदेव वही यही है वो कौन ये तदेव एतदेव तद इति एतद शब्द एतदेव तद कहा वही तो है यहाँ एतदेव तद यही तो है वहाँ पूर्वोक्त जो ब्रह्म है यही तो है एतदेव ऐसा कहा एतदेव तद तद एतदेव वो तो यही तो है ऐसा संकेत किया एतदेव के द्वारा एतदेव तद इति एतद शब्द ना संबंधित तृतीय तत्शब्द कहा जो तृतीय तत्शब्द आया है वहाँ तद एव एतत एव तद आशा वही यही था वो पहले हृदय ब्रह्म यही था कौन आगे सत्यम एव ये मंत्र में यही था वो अन्य नहीं था वो हृदय ब्रह्म सत्य ही था। तद आशा माने बहु वही हुआ है पहले वही हुआ था किस रूप से हृदय हृदय रूप से कहा गया था हृदय ब्रह्म कहा था वो ये यही था वो कौन सत्य ही था यही सत्य था वो अन्य नहीं था इसके लिए तृतीय आ जाता संबंधित तृतीय शब्द कहा। टिप्पणियां हैं एक दो तीन एक में कहा स्मरिवाण हृदयाख्यम ब्रह्म तद एतद और अर्थ तत् तदे तत् में आया तत् और एतद दो का अर्थ क्या है जो स्मरिवाण ब्रह्म है याद करना है या उसी का याद करना है हृदयाख्य हृदय नामक जो ब्रह्म चर्चा थी वो तदे तत् प्रजापति हृदय कहा था हृदय उसी को यहाँ स्मरण करने के लिए तद एतद कहा गया मंत्र में एतद और तद का अर्थ यही है तद एतद और अर्थ तद एतद वही यहाँ अन्य नहीं ऐसा दो नंबर में कहा एतदेव तद इति वो यही तो है वो तो पूर्व में हृदय नामक ब्रह्म कहा था यही है यह कौन है आगे बताएंगे क्या है ये यही तो है वो ऐसा बता दिया। तत्प्रकारांतरम एतदेव बक्षमाणम एव उसके प्रकारांतर यह कहना है वही हृदय नामक ब्रह्म के अन्य प्रकार कहना है बक्षमाण अभी कहा नहीं गया सत्य नाम आया नहीं अभी तदे तत् तद वही इत्यादि बोल रहे हैं तद तद वही तत् इत्यादि करके बोला। तीन में कहा एतद शब्द है ना मूलस्थे नहीं भाई एतद शब्द जो है मूल में ही है एतदेव यही तो है वो पूर्वोक्त ब्रह्म यही है ऐसा कहा एतदेव यही है तद आशा आगे बोलेंगे वही यही तो था वो अभी यहाँ जो कहना अभी नाम नहीं दिया नाम आगे आगे सत्यम इसलिए पहले यहाँ यही तो है वो संकेत से बोल रहे हैं पूर्वोक्त ब्रह्म हृदय ब्रह्म यही है। तो भाष्य में कौन होगा वो तो कहते हैं एतदिति बक्षमाणम बुद्धौ सन्निधि कृत्या एतद शब्द के अभी यहाँ आया नहीं जो नाम बताना है एतद के द्वारा जिसको प्रकट करना है बक्षमाण आगे सत्यम एवं आगे आने वाला है मंत्र में एवं आया नहीं बक्षमाण है उसको एतदेव एतद इति बक्षमाण आगे कहे जाने वाला है कहा नहीं गया अभी क्या है एतद से क्या लेना है वह यही तो है वह ऐसा बोला क्या है यहाँ तो कहते बक्षमाण आगे कहे जाने वाले बुद्धौ सन्निधि कृत्या विषय सामने होने पर न होने पर भी बुद्धि में है वो जिसको कहना है जो नाम देना है जिस नाम के द्वारा उपासना कर दिया या माध्यम से वो अभी बुद्धि में है बाहर में आया वो ये तदेव के द्वारा इसका संकेत दिया किंतु जो होता है ना दूरस्थ हो भी न दूरस्थ है जो ये हृदय स्थित हृदय स्थित समीपस्थ हो भी दूरस्थ जो ये हृदय नाथी समीपस्थ हो दूर तक
जिसके मन में जो बैठा होगा, दूर होने पर भी दूर नहीं होता, उसके चित्रण दिखता रहता उसको, दूरस्थो भी न दूरस्थ यो यस्य हृदय स्थित, जो जिसके हृदय में मन में बैठा हो वो दूर होने पर भी दूर नहीं होता। यो यस्य हृदय नास्ति, जो जिसके मन में नहीं है, समीपस्थो भी दूर होता, समीप होने पर दूर होता है। तो यहाँ पर सत्यम शब्द अभी आया नहीं, ये तद वही तत् करके बोल रहे, तद ये तद एव बोला, ये तत् से क्या लेना, कहते उनके बुद्धि में है, बुद्धि स्थ करके ये कहना जा रहे हैं आगे, ये कहा। एतत् शब्द बोलस्ते रे भाई, एतत् शब्द के द्वारा इसको कहा, आगे जो कहे जाने वाला है वाक्य क्या आएगा, सत्यमेव आएगा, वही है कहना आगे, यही तदास, यही सत्य ही तो था ये पहले, ये जो हृदय ब्रह्म है सत्य रूप में था, किस रूप में था, सत्य रूप में था, यही कहना है। आगे भाष्य में कहते हैं, एतत् इति बक्षमाणं बुद्धौ सन्निकृत्य आह गायो, एतत् शब्द अक्षर के द्वारा सन्निकृष्ट होना चाहिए, बक्षमाण तो परोक्ष होता है, आगे कहना है सत्यमेव आया नहीं, अभी दूर में है, तो बुद्धि कैसे होगा, एतत् शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, एतदेव तत् कैसे बोला, यही तो है वो कैसे बोला, तो कहते बुद्धि में सन्निकृष्ट है, कहाँ है, बुद्धि में है, बाहर नजदीक न होने पर बुद्धि में है, क्योंकि दूरस्थो भी न दूरस्थ ही होता है, जो दूर में होने पर भी दूर नहीं होता, जो यश हृदय स्थित है, जिसके मन में बैठा हो वो व्यक्ति दूर होने पर भी दूर नहीं होता, हमेशा पास में है वो। और जो यश हृदय नास्ती, जो अपने मन में नहीं है, जो जो विषय नहीं है, यही होगा तब भी हम जिसको मन में नहीं रखा है, दूर समीपस्थों भी दूर, समीप होने पर दूर होता है। तो ये जो एतत् के द्वारा जो कहना है श्रुति के लिए समीप में है, सत्यम एवं ऐसा बोलने वाली है, आगे है, यदि भी कहा नहीं गया बाद में कहना है, किंतु समीप में होने से यहाँ एतत् शब्द का प्रयोग कर दिया, ये कहना है। आशा माने बभुवा वह है ना, तद आशा, वह यही तो था, आशा माने बभुवा था, ये सत्यम आगे जो बाकी आ रहा वही था वहां, माने हृदय ब्रह्म माने सत्यम कहा, जिसको सत्य कहा वही है हृदय ब्रह्म, यही कहना है। किम पुनर एतदास, यही था क्या है वो, यही था माने क्या था, यद उत्तम हृदय ब्रह्म तद इति तृतीय शब्दों विधि उत्तर कहा, क्या हुआ क्या था वो, कहा तो हृदय ब्रह्म करके कहा हुआ था, जो तृतीय शब्द था तद आशा है, हृदय ब्रह्म वही है, तद आशा यही था वो, किम पांच की टिप्पणी बताया है, चार भी है ना, नु बक्षमाण से समीपतरवर्तित्व अभाव, ये तत् शब्द समीप से भी समीप के लिए प्रयोग होता है, यदमस्तु सन्निकृष्ट है नजदीक के लिए, इदम शब्द अयम बोलते हैं नजदीक है, अयम मानी नजदीक है, और नजदीक से भी नजदीक हो, दोनों नजदीक है, एक थोड़ा दूर होता है एक नजदीक होता है, तो नजदीक से भी नजदीक को ये तत् शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा आत्मित हो बात है, ये आत्मा है, आत्मा से नजदीक कोई है ही नहीं, ऐसा आत्मित हो बात, ये आत्मा ऐसा होता है, समीप से भी समीप हो, समीपतर हो, समीप से भी समीप को समीपतर कहा जाता है, उसमें ये तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, इदमस्तु सन्निकृष्ट है समीपतरवर्ती एतदो रूपम, अधसस्तु अधस शब्द दूर का वाचक होता है, असस अधसस्तु विप्रकृष्ट वहा जो बोलते हैं ना, असहु बोलते हैं दूर का होता है, तदिति परोक्ष भी जाने तत् शब्द का प्रयोग होता है, स बोलते हैं वह, यहाँ स बोला जाता है वह कहा जाता है, वो दूर से भी दूर के लिए प्रयुक्त होता है, ये दो शब्द नजदीक और नजदीक तर्क, नजदीक नजदीक और एक दूर, दूर से भी दूर, अधस और तद संस्कृत में दो दो शब्द हैं, हिंदी में तो एक ही है, यह वह तीसरा शब्द है, संस्कृत में दो दो शब्द है दोनों के लिए, नजदीक में भी दो है दूर के लिए भी दो है, सांकेतिक शब्द है सर्वनाम है, दो दो है, माने इदम माने नजदीक, एतद बारे में नजदीक, किंतु दोनों एक साथ हो, तुलना करनी हो कौन नजदीक, दोनों में से कौन नजदीक बोल रहा हो, तो एक समीप होगा एक समीपतर हो, एतद नजदीक से भी नजदीक और इदम केवल नजदीक, इस प्रकार दूर में भी दो हैं संस्कृत में शब्द, दूराति दूर हो, दूराति दूरे इत्यादि तदवंत के ऐसा, दूर से भी दूर है ब्रह्म अज्ञानी के लिए,
मिलना मुश्किल है, अनेक जन्मों में नहीं मिलता ज्ञान के लिए, अजानकार के लिए समीप से भी समीप है, तदंत नजदीक भी है, ईसावा से पर बता। जो उसको जानने वाले के लिए अपने से कोई नजदीक है ही नहीं, इतना नजदीक है, और जो अज्ञानी है उसके लिए दूरादि दूरे तदवंत के ऐसा आया ईसावा से, वो दूर से भी दूर है, नजदीक पर नजदीक है, दोनों प्रयोग होता है, दूर के लिए नजदीक से नजदीक दोनों प्रयोग है, संस्कृत में दोनों के लिए है। तत्शब्द दूर के लिए, अदा शब्द को असौ माने दूर, स माने दूर, किंतु दोनों दूरी में किसके कौन से लेना है, दोनों एक साथ हों, ये भी दूर है ये भी दूर है, तो इसकी अपेक्षा वो ज़्यादा दूर है, ऐसी स्थिति में तत् का प्रयोग होगा, उसके अपेक्षा नजदीक हो रहा है उसके लिए अदस का प्रयोग होगा, है ना, दोनों दूर है, गंगा जी भी दूर है वृक्ष भी दूर है, तो गंगा जी का विषय पीपल का वृक्ष नजदीक है, इसके लिए अदस का प्रयोग होगा, गंगा जी के लिए तत् का प्रयोग होगा, स्थिति माने तुलना में ऐसा होता है, दो दो शब्द हैं, हिंदी में तो एक ही है, दूर के लिए एक ही शब्द है, वहाँ बोलते हैं, और ये जो माने यहाँ बोलते हैं नजदीक के लिए एक ही है, दो नहीं है, संस्कृत में दो दो होते हैं, एक कहा आगे कहते हैं किम पुनः इत्यादि, कहा किम पुनः एतदेव आस, ये था किम पुनः एतदेव आस, क्या था वो यदि उत्तम जो कहा था हृदय ब्रह्म, हृदय ब्रह्म जो कहा था क्या किया है वो, तद यदि तृतीय शब्द विनियोग, तद शब्द के द्वारा तृतीय शब्द का विनियोग हुआ, तृतीय तद आया जो, तद आशा में तद है जो, पांच किम पुनः इत्यादि ना उत्तम एवं प्रश्नोत्तराभ्याम विषय, पहले जो किम पुनः के द्वारा कहा था उसी को प्रश्न उत्तर के द्वारा अर्थ किया जाता है, पहले भी किम पुनः आया था फिर भी किम तद आया, तो किम पुनः पहले प्रश्न या उत्तर देना है उसी को, किम तद यदि विशेष तो निर्देश क्या है वो, ये प्रश्न होता है, ये तदेव आशा बोल दिया, तद आशा यही था वो, ये यहाँ यहाँ से क्या ले रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं, क्या था ये, वो क्या था ये, यह माने क्या है, इसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से दिखाते हैं, किम तद विशेष तो निर्देश, विशेष रूप से निर्देश करते हैं, सत्यम एव कहा, सत्य ही था, क्या था ये जो हृदय रूपी ब्रह्म, पहले सत्य ही था, ये सत्य शब्द यहाँ आया है, पहले नहीं आया था, सत्यम एवा बोल दिया, सत्य ही है वो हृदयाख्य ब्रह्म, सत्य ही है, जिसको प्रजापति कहा था ये तत् प्रजापति हृदय, वही जो प्रजापति हृदय है कहा, और हृदय को सत्य शब्द से लिया है, वो सत्यम है, ये कहा सत्यम एवा, ये कहा आठ की टिप्पणियां, आठ में कहा सत्यम यद ब्रह्म हृदयाख्यम उत्तम, पूर्व ब्राह्मण ने जिस ब्रह्म को हृदय नाम से कहा था तदेतत् प्रजापति हृदय ये कहा था, ये हृदय नाम से कहा तत् सत्यम एव आस, वो सत्य ही था पहले, हृदय नामक ब्रह्म सत्य ही था, यदि वाक्य आता ऐसे वाक्य लेना कहा, सच्च त्यच्च दो कहा, सच्च त्यच्च अवपत, वही ब्रह्म दो प्रकार हो गया, सत और त्यत, पृथ्वी जल तेज सत कहा जाता व्यवहार, और वायु आकाश तत् दूर है परोक्ष है, और यह समीप है प्रत्यक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष के विषय को सत कहा गया, और दूर के जो परोक्ष हैं उनको त्यत कहा जाता है, दो रूप में वही है, चाहे दूर का हो चाहे नहीं, तो ब्रह्म ही तो है ही, ऐसा कहा गया था, सत और त्यत दो रूप में दिखाई दे रहा है, उसका विवर्त है, सत और त्यत जो दिखाई पड़ते हैं, पृथ्वी जलते वायु आकाश ये पंचभूत, पंचभूत का कार्य उसी में आ जाएंगे, पंचभूत में आ जाएंगे, तो पांच ही कर दिया, सत दो ही प्रकार का विषय मान लिया, वो दो रूप में हो गया, किस रूप में, सत और त्यत रूप, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो रूप है, ये दिखाई पड़ रहा है, यदि देखना हो तो ये सब में ब्रह्म दर्शन कर सकता है, दृष्टि चाहिए, बात इतनी है, और शुद्ध ब्रह्म जानना हो तो नाम रूप को बाद देना, ये दो को बाद रहने पर बाकी जो बचेगा वो ब्रह्मांश है, पांच अंश होते हैं प्रत्येक पदार्थ में, पांच होते हैं, अस्थिवाति प्रियम नाम रूपम चित्त पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्व त्वयम, पंचदश में आया है, ब्रह्म में पांच रूप दिखाई पड़ता है, ज्ञानी और अज्ञानी को लेकर के फर्क हो जाता है, अस्थिभाति प्रियम कोई भी वस्तु अस्थि बोला जाते हैं, पुस्तकम अस्थि, पुस्तकम भाति पुस्तक प्रकाशित हो रहा है, जाना जा रहा है इसको, और पुस्तकम प्रिय ये पढ़ने वालों के लिए पुस्तक प्रिय है, किसी न किसी को कोई भी पुस्तक प्रिय है,
अप्रिय वस्तु कोई भी नहीं है। आपको प्रिय नहीं तो अन्य किसी को प्रिय है। संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, आप जिसको घृणा करते हैं जिस वस्तु को, वो भी कोई प्रेम से खाता है। सब वस्तु प्रिय है। अस्थि भाती प्रियम, अस्थि भाती माने प्रकाशित होता वस्तु, ज्ञान होता है और प्रिय भी है। कोई वस्तु अप्रिय नहीं होता। ये क्या है? और नाम रूपम, उसमें एक नाम होगा, कोई ना कोई नाम लगा होगा वस्तु में। और रूप माने आकृति होगी उसमें, अपने ढंग की आकृति होगी। पांच रूप होता है वस्तु में, उनमें से तीन रूप तो ब्रह्म का है, आत्मा का रूप है। अस्थि भाति प्रिय, किंतु जगत रूपम तत्व नाम रूप जगत अंश है, उसको हटाइए। जिसमें पांच रूप है इनमें से दो दो अंश हटाइए, बाकी बचा हुआ ब्रह्म रूप है। ये दो हटाना है, जो भी करना है नेति नेति आदि के द्वारा दो अंश हटाना है, बस नाम रूप हटाना है। बाकी ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या जाना नहीं पड़ेगा, ब्रह्म प्राप्त है। तीन अंश ब्रह्म का दिखता है, दो अंश जगत का है, ये स्थिति है। सत्यम एवं कहा था, कहते हैं सत्य त्यच मूर्तम चा मूर्तम से कहा, सत और त्यज दो रूप में हो गया कहा। और मूर्तामूर्त ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के जो षष्ठ ब्राह्मण था उसमें ये कहा है सत्य त्यज चा। पंचम ब्राह्मण था, तृतीय ब्राह्मण था मूर्तामूर्त ब्राह्मण, अजात शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण था द्वितीय अध्याय के उसमें। देवाव ब्रह्मण रूपे मूर्त विचाई वूर्तम से इत्यादि कहा था। ब्रह्म का दो रूप है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त होता है पृथ्वी जल तेज, हाँ वो दिखते हैं, और अमूर्त होते वायु आकाश। दो रूप जगत में देख रहा हो, पांच रूप एक ब्रह्म दिखाई दे रहा है, ये करते हैं। सत्यम ब्रह्म, वो सत्य ब्रह्म एक है, ऐसी स्थिति हो गई है, ये सत्य है कहा। पंचभूतात्मकम, पंचभूतात्मक है ब्रह्म, अभी पंचभूत रूप हो गया है सत्य ब्रह्म, पंचभूत रूप में दिख रहा है, ये कहते हैं। आदिद्रव्यक्रम तत्व हिरण्यगर्भात्मकम, ये तो आदि भौतिक रूप दिख रहा है, अभी व्यवहार में आदि भौतिक रूप दिख रहा है। और आदि दैविक रूप क्या है? हिरण्यगर्भ रूप है उसका। और अध्यात्म रूप में निर्विशेष रूप है, ब्रह्म का तीन रूप है। तो नाम रूप में भी ब्रह्म दिख रहा है, यही है, पंचभूत रूप से दिख रहा है। सत्य त्यज अभवत, वही ब्रह्म सत और त्यज दो रूप में हो गया। शुरू में वो सत्य था, निर्विशेष था, उपाधि के कारण आगे चलते चलते दो रूप में भौतिक रूप में दिख रहा हूँ। सत्य त्यज होगा, मूर्त मूर्तम चाहिए अमूर्तम चाहिए, मूर्त रूप अमूर्त रूप, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत तो है, बाकी कार्य उसी में सम्मिलित है, इस रूप में हुआ। और आदिदैविक रूप में देखना हो तो हिरण्यगर्भ है, हुआ देवता रूप में देखना हो तो वही ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप है। और अध्यात्म रूप में देखना हो निर्विशेष आत्मा है। तीन रूप, प्रत्येक वस्तु तीन रूप में देखा जाता है, आदिभौतिक रूप, आदिदैविक रूप, आध्यात्मिक रूप। जैसे गंगा जी है, इसको तीन रूप से अपने व्यवहार करते हैं लोग। भारत सरकार इसको केवल एक जल का जल दृष्टि से काम करती है, विद्युत उत्पादन होता है इससे, वस्त्र धोने का काम आता है, सिंचाई करने का काम आता है, भौतिक रूप में लेते हैं भारत सरकार। भारत सरकार आदिदैविक रूप अध्यात्म रूप में नहीं लेना है, जितने भी नहीं जानते उसका भूत रूप में देखते हैं, जल रूप में देखते हैं, ऐसी स्थिति है। और दूसरा उपासक उसको माने मकर वाहिनी, मगर के ऊपर बैठी हुई एक देवी की मूर्ति में देखते हैं उपासक लोग, यही गंगा जी। और जो निर्विशेष भाव में पहुंचे हुए ज्ञानी होंगे उसको क्या लगे? अध्यात्म रूप लगे, चिन्मात्र रूप लेते हैं, चेतन है। प्रत्येक वस्तु तीन रूप होता है, आदिभौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक, स्थिति है। आध्यात्मिक में जाने पर सब वस्तु एक ही निर्विशेष ही होता है, सभी से वस्तु होता ही नहीं। वो दृष्टि यदि बन जाए, कोई भी वस्तु में ब्रह्म दर्शन कर सकता है यदि दृष्टि हो तो, ज्ञान रूपी दृष्टि होनी चाहिए, स्थिति है। ये कहा था आदिदैविकम तत्वम हिरण्य गर्भात्मक, आदिदैविक स्वरूप तो हिरण्य गर्भ है, आदिभौतिक स्वरूप में यह है। मूर्त अमूर्त जो दिखाई पड़ रहे हैं आदिभौतिक स्वरूप, मूर्त अमूर्त बोलो, सत्य त्यज बोलो, ये आदिभौतिक स्वरूप है। और निर्विशेष है ये विशेष आदिदैविक रूप में है हिरण्य गर्भ। पहले यह सत्य ही था,
अभी सत्यता आदि जो दिख रहा है वो सत्य ही था, शुरू में सत्य था, शुरू में रज्जु होती है, जो जो कल्पना करेंगे आगे होती जाना है, शुरू में रज्जु होती है, शुरू में मरुभूमि होती है और कुछ नहीं होती वहां, कुछ जल आदि की कल्पना बाद में होती है, ये सत्य ही था भाई, जो सत्य और त्यत रूप में दिख रहा अभी वो सत्य ही था। तो हृदय ब्रह्म सत्य है, वही सत्य है कहा। सय कश्चित सत्यात्मान एतम महत् महत् महत्वात्, ये सत्य रूप आत्मा को जो जानता हो, सत्यात्मान एतम इसी आत्मा को महत् माने महत्वात् व्यापक होने से, महान होने से महत् कहा गया यहाँ, महदयक्षम है ना, महान है वो इस आत्मा को। छह नंबर रिपोर्ट बता दिया, नौ परिमाण तो अपरिच्छेद्य में क्या, परिमाण वस्तु परिमाण भी नहीं है, देश परिमाण भी काल परिमाण भी नहीं है, तीनों घेरे से बाहर है, जो देश काल वस्तु के घेरे से बाहर है, एक बात यहाँ ये बोल दिया महत्व। यक्षम पूज्यम, यक्ष माने पूज्य होता है, यक्ष पूजायाम धातु है, चुरादि का धातु विशेष होता है, पूज्यम प्रथमजम सबसे पहले हुआ है, हिरण्यगर्भ सबसे पहले है, प्रथम जीव है, समष्टि जीव है, क्यों अंतकरण जब समष्टि वहां आए तो जीव भी वही है, समष्टि जीव वही है, अंतकरण उपाधि में निर्विशेष के प्रतिबिंब है वहां स्थिति है। प्रथम जातम, प्रथम जन्म का था प्रथम जातम, सबसे पहले उत्पन्न हुआ वही है, उसके पहले उत्पन्न वाले नहीं, ईश्वरी भी उत्पन्न नहीं है और निर्विशेष उत्पन्न है, वही उत्पन्न है। सर्वस्मात् संसारिणा एतदेव अग्रे जातम, जितने संसारी जीव है ना सबसे पहले यही उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ समष्टि जीव है जातम, ब्रह्म यही ब्रह्म है, अतः प्रथमजम वेद, इसलिए प्रथमज है, प्रथम जायते जाता इति प्रथमज, सप्तम में जरे ड ऐसा सूत्र है, मज्जन धातु ड लग करके ज बनता है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ वेद जो जानता है, विजानाति सत्यम ब्रह्म इति, सत्य है ये ब्रह्म, सत्य है करके जानता है, उसके वास्तविक स्वरूप को जानता है, तस्य इदं फलम उच्यते, उसके लिए फल इस उपासना का फल बताते हैं। यथा सत्येन ब्रह्मा इमे लोका आत्मसात कृता, जैसे सत्य ब्रह्म के द्वारा ये सारे लोग आत्मसात है, अपने आप एकत्व कर रखा है ब्रह्म ने, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जगत तो कल्पना है ना, एक ही आत्मसात है, आत्मा से अतिरिक्त रहे माने ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, सत्य ब्रह्म ने जैसा कर रखा है अपने अधीन किया है। इन्नु माने इत्थम, वही इन्नु शब्द मंत्र में उसका इत्थम, इस प्रकार, इस प्रकार यथा ब्रह्मणा जिस प्रकार असौ शत्रुर इति वाक्य, जैसे ब्रह्म ने उस शत्रु को अंधृत रूपी शत्रु को दूर किया है, ये भी ये उपासक भी अपने शत्रु को दूर करेगा, फल ये होगा, वहां ब्रह्म तो किसको करेगा, जो मिथ्या रूपी शत्रु है उसको दूर करता है ब्रह्म, अपने पास मिथ्या को आने नहीं देता, इसी प्रकार ये भी अपने शत्रु को जीत लेगा, ये वाक्य शेष है कहा, जीत लिया कहा। टिप्पणियां है दो तीन है ना, दो सत्य से असो आत्मा, सत्य से असो आत्मा से सत्यात्मा, कर्मधारय समास है वह सत्यात्मा है, सत्य से असो आत्मा तम सत्य स्वरूपम इत्यर्थ, उस सत्य स्वरूप को जो जानता हो तो वो क्या करेगा, जैसे उस ब्रह्म ने अपने शत्रु जो अंधृत को बाहर कर दिया है, जीता हुआ है, इसी प्रकार ये भी अपने शत्रु को जीतेगा उपासक, एक तीन में कहा इत्थम इति उक्तम, ये इत्थम कहा, इन्नु का अर्थ मंत्र में जो इन्नु है उसका अर्थ इत्थम, वो जो कहा था उसके व्याख्या करते हैं, यथा ब्रह्मणा जाए, जिस प्रकार ब्रह्म के द्वारा अंधृत रूपी शत्रु को जीता गया, इसी प्रकार ये भी अपने शत्रु को जीतता है, जो उपासक होगा सत्य ब्रह्म की उपासना करने से शत्रु विजयी होगा, यथा सत्याख्य ब्रह्म असौ शत्रु अंतराख्य, ब्रह्म का शत्रु क्या है, मिथ्या है, और कोई ब्रह्म का शत्रु नहीं, जो मिथ्या वस्तु उसका शत्रु है, उसको वशीकृत उसको अपने अधीन कर लिया है मिथ्या को, और जीव मिथ्या वस्तु के अधीन होकर चल रहा है, ब्रह्म ने उसको अपने वश में किया हुआ है, तथा उपासक ना भी, वो सत्य ब्रह्म के जो उपासक होगा उसको उसके द्वारा भी वशीकृत होगा, शत्रु वशीकृत होगा, अपने अधीन हो जाएगा कहा। असत्य
असत भवेद असौ शत्रु, वो शत्रु होते हुए भी असत हो जाएगा, नहीं के बराबर होगा, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। असत च असद एव, असौ असौ माने शत्रु, वो जो शत्रु है असत हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। जीतो भवेद, वो जीता हुआ होता है, जीता हुआ व्यक्ति नहीं के बराबर होता तो काम कर नहीं सकता, वो अपने अधीन हो गया, हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, वो होते हुए भी नहीं के बराबर है, असत। कश्य एतत् फलम्, ये फल किसको मिलेगा, जो शत्रु रहित होना फल किसको मिलेगा। पुनर्निगमयति, उसके प्रश्न आने पर उसी के समापन करते हैं, सार की टिप्पणी बताया, उपसंहार ब्याजे ना पुनः कथित, दोबारा कथन करते हैं, माने उसके समाप्ति के माध्यम से कहा। एवं एतन महत यक्षम प्रथमजम वेदगा, जो व्यक्ति ये महान यक्ष है, पूज्य है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ माना जाता है, उसको जो जानता है, इस प्रकार जानता हो, वो शत्रु रहित है ऐसा जानता हो, अंधृत नाम के शत्रु वहां नहीं है ऐसा जानता हो, सत्यम ब्रह्मेति, सत्य ब्रह्म करके जानता हो, ब्रह्म सत्य है ऐसे जानता हो, उस महान यक्ष को ही सत्य ब्रह्म रूप से समझता हो, उसके लिए फल होगा, वो शत्रु रहित हो जाएगा, शत्रु अपने अधीन नहीं, अधीन में हो जाएगा उसके, ये उपासना का फल है, सत्य ब्रह्म की उपासना का ही फल है। अतो विद्यानुरूपम फलम युक्तम, विद्या के जैसे उपासना उसी का अनुरूप फल बता रही है, अनुरूप फल है। टिप्पणी एक नंबर थी ना, पांच नंबर, अत ही यस्मात् सत्यमेव ब्रह्म उक्तरीत्या लोकजित, जैसे सत्य ब्रह्म बताए गए तरी से लोकजित सभी लोगों को अपने पश्च में किया हुआ होता है, ब्रह्म के अधीन है सारे लोग, लोक के अधीन ब्रह्म नहीं है, ठीक। इस प्रकार शत्रुजित चर, और शत्रु को भी जीतता है, सभी लोगों का अधिपति भी है, अंदर काम के शत्रु को भी जीता हुआ है, वह मिथ्या रूपी शत्रु नहीं रख सकता, ठीक। इस प्रकार तस्मात् उपासक श्यापी, जो उसकी उपासना कर रहा है सत्य नामक ब्रह्म का, उसका भी विद्यानुरूपम उत्तम फल, विद्या माने उपासना, उपासना के अनुरूप भी फल होगा, तो जो उपास्य में जो गुण था वो गुण यहाँ आएगा, ठीक है। फलम युक्तम ये ठीक ही है, तो ये भी सबको अपने अधीन करने वाला होगा, शत्रु रहित हो जाएगा, ये फल होगा, ये कहा। सत्य भी एवं इस्मात ब्रह्म का, जैसे कि ब्रह्म सत्य ही है, सत्य है ब्रह्म, जिसको लेकर के सत्य लोग बोलते हैं पुराण, जिस ब्रह्मा के रहने का था उनको सत्य लोग, सत्य सत्य का जो लोक, सत्य माने ब्रह्मा, उसका लोक को सत्य लोग कहा जाता है पुराणों के हिसाब से। समय हो गया है, फिर करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you.